हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबीसी किड्स लर्निंग। आज के इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं फर्नीचर वोकैबुलरी के बारे में, मतलब सभी प्रकार के फर्नीचर के नाम जो घरों में इस्तेमाल होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे कि जब भी एक न्यू वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। फर्स्ट नंबर पर है कुर्सी, मतलब चेयर। सेकेंड नंबर पर है मेज, मतलब टेबल। थर्ड नंबर पर है पलंग, मतलब बेड। फोर्थ नंबर पर है सोफा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं काउच। फिफ्थ नंबर पर है पालना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कॉट। सिक्स नंबर पर है स्टूल, जिसको इंग्लिश और हिंदी दोनों में स्टूल कहते हैं। सेवेंथ नंबर पर है सीढ़ी, जिसका मतलब है लैडर। एट नंबर पर है दरवाजा, जिसको इंग्लिश में डोर कहते हैं। नाइन्थ नंबर पर है खिड़की, जिसको इंग्लिश में विंडो कहते हैं। टेंथ नंबर पर है दराज, मींस ड्रॉअर। इलेवेंथ नंबर पर है अलमारी, मींस कपबोर्ड। ट्वेल्थ नंबर पर है श्रृंगार पटल, जिसको इंग्लिश में ड्रेसिंग टेबल कहते हैं। थर्टींथ नंबर पर है कोट टांगने का स्टैंड, कोट स्टैंड। 14th नंबर पर है किताबों की अलमारी, means bookshelf। 15th नंबर पर है कपड़ों की अलमारी, wardrobe। 16th नंबर पर है पढ़ने के लिए मेज, means study desk। 17th नंबर पर है बेंच, means bench। 18th नंबर पर है आराम कुर्सी, means armchair। 19th नंबर पर है एक पलंग, means single bed। 20th नंबर पर है खाना खाने की मेज, means dining table। 21st नंबर पर है चार डंडों वाला पलंग, four poster bed। 22nd नंबर पर है bunk bed। 23rd नंबर पर है झूलने वाली कुर्सी, means rocking chair। 24th नंबर पर है आराम सोफा, means chaise lounge। 25th नंबर पर है ऊंची कुर्सी, means high chair। 26th नंबर पर है side table, means beside table। 27th नंबर पर है computer maze, means computer table। Thank you। I hope आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसे और वीडियोस आपको देखने हैं तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, एबीसी किड्स लर्निंग को। बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे कि जब भी एक न्यू वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। वीडियो देखने के बाद मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।